बात हुई थी फेस रिवील की। सो गाइस, मैं आपको अपना फेस अभी दिखाने जा रहा हूँ। 3, 2, 1। तो जैसे कि गाइस, अभी आपने मेरे स्टूडियो टूर के थोड़े सिनेमैटिक शॉट्स देखे हैं, तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं मेरे मेन डेस्क की ओर से। तो गाइस, ये है मेरा एक डेस्क जिसके ऊपर मैं रोड ड्राइंग करता हूँ। ये साइड एंगल है, ओके। एंड जो मैं ट्राईपोड यूज करता हूँ वो वाला ये ओवर हेड ट्राईपोड। इससे आप कोई भी 360 एंगल ले सकते हो कोई भी। एंड ये मेरा एक फ़ोन जिससे मैं ड्राइंग देख के बनाता हूँ, मतलब कि रेफरेंस फ़ोटो वगैरह देख लेता हूँ और अपने ही वे में बनाता हूँ। एंड ये मेरा एक फ़ोन एक और जो मैं पहले से रिकॉर्डिंग करता था, यह इन्फिनिक्स हॉट 10। काफ़ी अच्छी रिकॉर्डिंग कर देता था, बट अब मैंने थोड़े से चेंजेस लाए हूँ। एंड ये है गाइस मेरी एक रिंग लाइट, 14 इंच की रिंग लाइट है विद स्टैंड। मैंने ये 1200 रुपये की परचेज की थी। अगर आप आगे की तरफ देखोगे तो ये मेरा एक बॉक्स है जिसके अंदर मैं रियलिस्टिक स्केच वगैरह बनाता हूँ, तो उसके इसके अंदर मटेरियल पड़ा है। एंड ये थोड़ी डेकोरेशन के लिए मैंने रखा हुआ है। एंड ये मेरे चैनल का नेम आ गया, बस इसमें सिंग की मिसिंग है, वो उन्होंने गलती से नहीं लिख पाई। तो एंड ये है जहाँ से मैं अपनी सभी वायर को कनेक्शन वगैरह देता हूँ, जहाँ से करंट आता है। एंड अगर साइड में देखा जाए तो यहाँ पे है मेरे अल्कोहल मार्कर्स, एंड यहाँ पे मेरी ये ट्रॉफी जो कि मैंने ड्राइंग में ही विन की थी, किसमें कितना दम टीवी रियलिटी शो फर्स्ट प्राइज। एंड अगर आप मेरी ये बॉल देखोगे तो ये मैंने सभी एनिमी की ड्राइंग से ही भरी हुई है। यहाँ पे सभी आपको एनिमी की ड्राइंग मिलेंगी और जो मैं अपनी वीडियोज़ में बनाता हूँ वो वाली, जैसे कि ये रैनकॉक किया, ये सभी मैंने अपनी वीडियोस में हैं। अगर आपने नहीं देखी तो आप जाके देख लो। एंड ये मेरे 3K सब्सक्राइबर्स जब कंप्लीट हुए थे तब मैंने ये ड्राइंग बनाई थी, 3K थे 15 मई 2024 को। एंड ये था मेरा कुछ एक डेस्क। एंड अगर साइड में देखा जाए तो यहाँ पे भी मेरे पास एक कैबिनेट कह लो, जो भी एक है जहाँ पे मैं पहले ड्राइंग यहाँ पे बनाता था, यहाँ पे तो मैं यहाँ पे ड्राइंग बनानी छोड़ दी है। तो ये आप कुछ देख सकते हो मेरा डेस्क है जिसके अंदर मैं अपने मेन कलर्स वगैरह रखता हूँ। यहाँ पे मेरे कलर्स हैं एंड यहाँ पे मैंने अपने कोई स्केचेस वगैरह एंड एनिमी की ड्राइंग मिक्स करके लगाई हुई है। एंड ये आप देख सकते हो, इसके अंदर भी मैंने RGB स्ट्रिप लाइट्स वगैरह ज़्यादा लगाई हुई हैं। एंड ये मेरे कुछ मटेरियल्स पड़े हैं यहाँ पे बाहर भी, एंड ये मेरे पेंस वगैरह पड़े हैं, एंड यहाँ पे कुछ और मटेरियल्स हैं। अगर आप यहाँ पे साइड में देखोगे तो यहाँ पे मेरा गेमिंग एरिया आ जाएगा। अगर गाइज आप इसके पीछे भी देखोगे तो यहाँ पे मेरे बहुत सारे आपको स्केचेस दिखेंगे जो कि मैंने बहुत सारा टाइम लगा के बनाए, जैसे ये हाइपर रियलिस्टिक मॉर्गन फ्रीमैन की ड्राइंग्स हैं, आप ये देख सकते हैं। एंड ये था मेरा एक स्टूडियो, अभी भी गाइज थोड़ा बहुत तो मिसिंग है, आपको मैं दिखाता हूँ। गाइज ये था मेरा इतना बड़ा स्टूडियो जहाँ पे मेरी मेन चीज थी। अगर आप इसके यहाँ पे साइड में देखोगे तो जैसे कि मैं सिख धर्म से बिलोंग करता हूँ, तो यहाँ पे हमारी फ़ोटोज़ वगैरह रखी हुई हैं, जैसे कि मैंने अब दिवाली आ गई तो यहाँ पे मैंने लाइटें वगैरह लगाई हुई हैं, ये आप देख सकते हैं। एंड यहाँ पे लक्ष्मी माता जी की भी एक फ़ोटो पड़ी हुई है, ये देख सकते हैं आप, ओके। सो ये था मेरा एक स्टूडियो, अभी भी गाइस थोड़ी बहुत चीज़ें मिसिंग हैं। अगर आप मेरे यहाँ पे स्टूडियो, ये फ्रंट आ गया ना जहाँ से आप मेन एंटर करते हैं फ्रंट साइड, अगर आप इसकी बैक साइड पे देखोगे तो यहाँ पे एक आपको मेरा बेड दिखेगा। गाइस ये मेरा स्टूडियो प्लस बेडरूम दोनों ही है, मैं एडिटिंग वगैरह करके ड्राइंग बना के यहीं पर सो जाता हूँ, ओके। तो ये है गाइस एक सिंगल बेड जहाँ पे एक सिंगल पर्सन सो सकते हैं, ये रहा मेरा पिलो वगैरह। एंड आप सोच रहे होगे कि ये चीज़ क्या चीज़ है। सो गाइस जैसे फ़ोन वगैरह चार्ज लगाता हूँ, चार्ज लगा के यहाँ पे फ़ोन रख देता हूँ इसके ऊपर। बाकी गाइज इसको, इसके अंदर मेरे थोड़े बहुत मेन सामान पड़ा हुआ है, ओके। सो गाइज आपको मैं एक बार अपना फुल स्टूडियो दोबारा से दिखा देता हूँ, ये देख लो कुछ ऐसा दिखता है गाइज मेरा स्टूडियो। गाइज किसी एक बंदे ने मेरे को कहा था लाइव स्ट्रीम में कि अपनी चेयर दिखाओ, सो ये मैं सिंपल चेयर यूज करता हूँ, आप देख सकते हो, कोई ज़्यादा वो नहीं है, एक्सपेंसिव बस सिंपल चेयर है जो आपको लोकल मिल जाएगी। एंड आप सभी को दिवाली की शुभकामनाएं। सॉरी गाइज एक दिन वीडियो लेट हो चुकी है, कोई बात नहीं, आप मेरे को पता है गुस्सा नहीं, ओके। बाकी गाइज आप कमेंट सेक्शन में मेरे को बताना कि आपको मेरा स्टूडियो कैसा लगा। एंड चलो गाइज अपना फेस रिवील भी कर ही देता हूँ। जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक कर दो, एंड कमेंट सेक्शन में मेरे को बताना कि आपको मेरा स्टूडियो कैसा लगा। 3, 2, 1। सॉरी गाइज आपको मेरा फेस नहीं दिखा होगा क्योंकि मैं फेस आपको 50K या 100K पे ही रिवील करूँगा। सो बने रहो मेरे चैनल पे, एंड जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक कर दो, एंड कमेंट सेक्शन में मेरे को बताना कि आपको मेरा स्टूडियो कैसा लगा। बाय बाय।